सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और रिएक्शन वीडियो। पर इस बार जो वीडियो है वो ना तो सिर्फ एक रिएक्शन है बल्कि एक अनाउंसमेंट भी है, तो वो वीडियो पूरे ध्यान से देखना। और जो रिएक्शन होगा उसके साथ मैं एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ। तो गाइस, समथिंग रियली बिग इज कमिंग अप। आपने जो टाइटल पढ़ा है वो एक्चुअल में सही टाइटल पढ़ा है, और उसे मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा मैं आपको अभी बताता हूँ। टुडे वी आर रिएक्टिंग ऑन माई वन वीडियो। आपको बताता हूँ स्टोरी थोड़ी सी। मेरा एक मेन चैनल है आरजी हेयर। आप लोगों में से बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, आरजी हेयर के ऊपर मैंने कोविड के लॉकडाउन वन को शुरू होने से पहले, एक दिन पहले मैंने ये वीडियो डाली थी और ये वीडियो वायरल हो गई एंड मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन कोविड की वजह से मैं आगे काम नहीं कर पाया कुछ 4-6 महीने के लिए, तो चैनल की जो रीच थी वो डेड हो गई। तो गाइज, मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो पर रिएक्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक गिव अवे अनाउंसमेंट है और बहुत बड़े बड़े गिव अवे जिस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे रिएक्शन बाय आरजी पे मैंने बोल रखा है कि मैं आप में से किसी एक को एप्पल एयरपॉड्स दूंगा, और वादा है दूंगा। और 2.5 लाख पे मिलना है PS5। 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स पे किसी एक सब्सक्राइबर को PS5 मिलना है ऑन आरजी हेयर। पर अब जो गिव अवेज मैंने आरजी हेयर पे रखे हैं, सेम गिव अवेज मैं यहाँ पे भी लेके आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी बोल दिया था कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे गोल्डन प्ले बटन आने पे किसी एक सब्सक्राइबर को आईफोन मिलेगा। तो गाइज, फटाफट फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट होने वाली है ये बहुत बड़ी है, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसमें कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई मेरी टीम का मेंबर, कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके अंदर होंगे सिर्फ आप एज अ सब्सक्राइबर और मैं एज अ चैनल। तो गाइज, मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर मैं आपसे इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। इसमें दो गिव अवेज हैं, दोनों बड़े बड़े माइलस्टोन पे और बड़े बड़े गिव अवेज हैं, तो ध्यान से देखना। तो लेट्स सी, ये मेरी ही वीडियो है मेरे मेन चैनल की। लेट्स सी ड्रीम्स। जब मैं स्कूल में था मेरे पास गाड़ी नहीं थी, नाइदर माई फादर हैड। घर में गाड़ी थी बट मेरे फादर के पास गाड़ी नहीं थी। और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है कि हमारे घर में गाड़ी थी लेकिन मेरे फादर के पास गाड़ी नहीं थी। वो स्कूटर पे जाते थे क्योंकि वो गाड़ी उन्हें चलानी नहीं दी जाती थी बेसिकली। आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अ कार दैट आई वॉन्ट। मैंने एक सपना देखा था स्कूल के अंदर कि मैं गाड़ी लूँगा जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊँगा टू ओन। तो फिर दिमाग में बैकलॉग में एक चीज़ चलती थी, स्कूल में एक लड़का गाड़ी में आता था जिसका नाम था BMW। वो उसने मेरे को एक बार एक बात बोली थी, तेरे बस की बात नहीं है, गाड़ी भूल जा। देन आई थॉट के हाँ नहीं, अब गाड़ी लूंगा तो मैं BMW लूंगा। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई बॉट माई फर्स्ट BMW। कहते हैं कि ड्रीम्स पूरे होना बहुत जरूरी हो जाता है। इस गाइज, ये मेरी पहली BMW थी, और मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, जो बात मैं इसमें बोल रहा हूँ एक एक बात सच है, कुछ झूठ नहीं है। और जो ये वाला गिव अवे, अब जी हाँ, दिस इज़ फॉर अ गिव अवे। मैं यहाँ पे वो रीज़न दूंगा कि यहाँ पे मैं पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, अभी आगे की पूरी वीडियो देखना। मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि ये गिव अवे मैं क्यों कर रहा हूँ, और इसके साथ एक और गिव अवे 2 मिलियन पे, वो भी मैंने अनाउंस किया था, तो वो भी मैं यहाँ पे क्यों अनाउंस कर रहा हूँ। तो लेट्स सी। की वैल्यू मुझे अच्छी तरह से पता है, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ देम हु कॉन्कर्ड वन ऑफ माई ड्रीम्स। मैंने एक सपना फिर देखा, मैं चाहता था कि मेरे YouTube फॉलोअर्स बने, एंड आई वॉन्ट कि जिस दिन मेरा ये सपना पूरा होगा कि हाँ मैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करूँगा, आई विल गिव अवे माई फर्स्ट ड्रीम। तो क्या इस बात सिर्फ ऐसी है, तब मेरे पास कोई मोटिव नहीं था कि मुझे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे पहुँच के क्या करना है। लेकिन आज मेरे पास एक मोटिव है कि अगर हम इस मुकाम पे पहुँचते हैं
तो हमें उन हिडन टैलेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना है कि उन्हें कहीं और जाके, किसी रियलिटी शोज़ में जाके, किसी स्क्रिप्टेड रियलिटी शोज़ में जाके धक्के ना खाने पड़े। नए टैलेंट को हम सीधा सीधा डायरेक्ट प्रमोशन अपने चैनल से दे सकें, हर कोई अपने काम की वर्थ ले सके। सीरियसली सिर्फ यही एक मोटिव है, और आज मोटिव है। और वादा करता हूँ 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, चाहे रिएक्शन बाय आरजी पे पूरे हों, चाहे आरजी हेयर पे पूरे हों, या 20 व्लॉग्स बाय आरजी पे पूरे हों, मेरे तीनों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिस पे भी पूरे होंगे पहले, वहाँ पे ये BMW का गिव अवे होगा। अगर उस टाइम पे ये BMW नहीं होती, मान लो 3 या 4 साल डाउन द लाइन ये BM उस कंडीशन में नहीं रहती कि मैं गिव अवे कर सकूं, तो इसी की वैल्यू की कोई और गाड़ी या इसी की वैल्यू का कोई गिव अवे ज़रूर किया जाएगा। तो गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाना मत भूलना, सच्ची बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमें एक प्लेटफॉर्म उस हिडन टैलेंट के लिए बनाना है जिसे एक्चुअल में प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, विच इज़ माई BMW X1। ये मेरी पहली गाड़ी है, और मैं दूसरी BMW ये किसी एक सब्सक्राइबर को गिव अवे करने के बाद ही दूंगा। तो मैं इस चैनल पे आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, उसमें से गिव अवे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे। उस टाइम पे मैंने जो आरजी हेयर था वो मल्टी जॉनर चैनल बनाया था, जिसके ऊपर मैं सारा कुछ डालता था, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ रिएक्शंस डाल रहा हूँ। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, क्योंकि 2 मिलियन पे मैं दे रहा हूँ एक कस्टम मेड बाइक बाय वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट कस्टमाइजर्स इन इंडिया। ये वादा मेरा आज भी है कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स अगर रिएक्शन बाय आरजी पे भी पूरे होते हैं, तो एक कस्टम मेड बाइक मेरी तरफ से आएगी किसी एक सब्सक्राइबर के लिए। पर वो सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए है, किसी दोस्त यार रिश्तेदार के लिए नहीं। मैं उनकी तरह नहीं करूंगा जो यूट्यूबर्स क्या करते हैं, गिविंग अवे माई कार लगा देंगे, लेकिन वो सब्सक्राइबर को नहीं मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी जाके किसी रिलेटिव को, गिविंग माई कार टू माई ब्रदर, गिविंग माई कार टू माई फ्रेंड, गिविंग माई ओल्ड कार टू माई फ्रेंड, वो सब नहीं है। दिस इज प्योरली फॉर द सब्सक्राइबर, दिस इज कम्प्लीटली बिटवीन यू एंड मी। एंड ये गाड़ी विल बी गिवन टू यू ऑन 10 मिली सब्सक्राइबर्स। तो गाइज, किसी एक सब्सक्राइबर को ये गाड़ी मिलने वाली है। एंड अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पे आपके मतलब का आपको एंटरटेन करने वाला कंटेंट है, एंड यू कैन सपोर्ट मी एज अ यूट्यूबर, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सकता है ये BM आपकी हो। एंड आई विश इसे आप उसी तरह से संभाल के रखोगे जिस तरह से मैंने रखा है। तो किसी एक सब्सक्राइबर के पास जा सकती है मेरी BMW, एंड दिस इज़ माई BMW स्टोरी, एंड आई एम गोना ब्रिंग फॉरवर्ड मच मोर कंटेंट ऑन दिस चैनल। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग माई कंटेंट। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली, तो दिस वॉज द वीडियो, एंड आज बहुत अच्छा लग रहा है इस पर रिएक्ट करके। ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ मुझे अब करनी चाहिए थी, तो मैंने इसी के ऊपर रिएक्शन कर दिया। आप इस वीडियो को अगर दोबारा देखना चाहते हो, आरजी हेयर चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके भी आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, मिल जाएंगी बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे, और भी बहुत सारा कंटेंट है, अगर आप देखना चाहो तो वो भी देख सकोगे। लेकिन गाइस, मैं एक सीधी सी बात बोलता हूँ, इसमें बोली गई एक एक बात सच है और होगा। और एक और चीज़ जो मैंने ऐड अप करी है, उस टाइम पे मोटिव नहीं था, लेकिन आज मेरे पास मोटिव है कि जो शोज़, रियलिटी शोज़ फेक बनते हैं, इनमें जाके मैं चाहता हूँ कि लड़के ऑडिशन ना दें, लड़कियाँ ऑडिशन ना दें, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पे आके डायरेक्टली अपना टैलेंट शो कर सकें और लोग इन्हें सपोर्ट कर सकें, और इन्हें ऐसा ना हो कि इनकी कोई वीडियो बनाए, वो यूट्यूब पर डाले और वो पैसे कमाए। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ लाइक कि जब भी इनकी इनके टैलेंट को हम शोकेस करें, इनको कुछ दे सकें। तो गाइज, बेसिकली वो लॉजिक है, क्योंकि मोस्टली आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनके घर वाले या तो उन्हें सपोर्ट नहीं करते, या घर का एक प्रेशर होता है, भाई तू कमा क्या रहा है, तो वो एक चीज़ हम बैरियर को ख़त्म करना चाहते हैं, जो हमारा मोटिव है। तो गाइज, एक ही बात बोलूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, गिव अवेज हमारे चैनल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे और हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है, अपने सपने तो पूरे करो, लेकिन अपने साथ साथ अगर किसी और के सपने को भी पूरा कर सको ना, उससे बेटर कुछ नहीं है। तो गाइस, प्यार करते रहो, जफ्फियाँ डालते रहो, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ, मेरे साथ भी खड़े हो जाओ यार। जय हिंद, मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत जल्द।